हालात ये हैं कि फायर टेंडर जो छोटी आई थी उसमें पानी की कमी है और उसके ड्रमों को भर रहा जा रहा है बाल्टियों के सारे, बाल्टियों में पानी भर भर के उसमें डाला जा रहा है। नहीं बोलता ये देखिए बाल्टियां भर भर के डाली जा रही हैं फायर टेंडर के ड्रम में। एक और चीज जो यहाँ देखने को मिल रही है कि आईपीएच विभाग की, जल शक्ति विभाग की एक नई पाइपलाइन सड़क के किनारे किनारे बिछाई तो गई है लेकिन अभी तक उसे शुरू नहीं किया गया, जिस वजह से भी पानी की समस्या आ रही है। अगर वो लाइन शुरू कर दी होती तो उससे डायरेक्ट कार्यालय के ऊपर पानी की बौछारें की जा सकती थी। आप ये देख रहे हैं कि ये धुएं के बीचों बीच कार्यालय है जिसके चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और कार्यालय तक कोई भी किसी के भी पहुंचने में मुश्किल हो रही है, यहां तक कि कोई भी यहां पहुंचने में असमर्थ है। ओहो हो, आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए जंगल की आग धीरे धीरे आगे 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 की तरफ फैलती जा रही है। यहाँ एक बात ये भी है कि हर साल इस जंगल में इस सीजन के दौरान आग लगती है लेकिन बावजूद उसके कार्यालयों के आसपास के क्षेत्र को क्यों नहीं पहले साफ किया जाता, जिससे कि पत्ते, सूखे पत्ते और कचरा आदि हटा दिए जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ नगर परिषद के अधिशासी अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के कार्यालय सारे जितने भी कामों का खुद जायजा ले रही हैं। हम ये इनसे भी पूछते हैं कि क्या इंतजाम नगर परिषद के द्वारा किए जा रहे हैं। ये नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी हम अभी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये भी पूरे इन कार्य इंतजामों का जायजा खुद ले रही हैं। हाँ ये मैम आप ही यहाँ मौजूद हैं और ये जो लोक निर्माण विभाग के कार्यालय तक आग पहुंच गई है और यहाँ तक ये भी सुनने में आ रहा है कि कार्यालय के अंदर भी आग लग चुकी है, तो ये बुझाने के प्रबंधों के बारे में आप क्या देख रहे हैं? कंट्रोल कर ली गई है, एसपी भी वहाँ खड़े लगे हुए हैं, एसडीएम साहब खुद खड़े हुए हैं, तहसीलदार साहब हैं और एमसी का सारा स्टाफ है और लोकल लोग हमारे हैं, सब लोग जुटे हुए हैं इस काम में और कोशिश कर रहे हैं कि आज जो है सिविलियन एरिया को इफेक्ट ना आए। जी मेरा माफी चाहते हैं सिग्नल में समस्या की वजह से। सूचना ये मिल रही है कि ये देखिए
लोक निर्माण विभाग का ये भवन है कि इसके